अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी तो दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोविजन्स। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को SRT स्मार्टफोन का एक फुल कैमरा रिव्यू जो वो देने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, इस फोन में हमें जो 13 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा मिलता है जो कि ऑटो फोकस कैमरा है और एक स्टैंडर्ड क्वालिटी के कैमरा जैसे दूसरे फोन में मिलते हैं, और 5 मेगापिक्सल का आपको उसका जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पे कुछ वीडियो सैंपल्स वगैरह भी आप लोगों को इस फोन के मैं देने वाला हूँ। आप ये वीडियो आगे देखते रहिए और खुद डिसाइड करिए कि आपको क्या लगता है कि इसका कैमरा जो वो कितना अच्छा है। कैमरे के इंटरफेस की बात करते हो तो आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दोनों कैमरे से यानी कि फ्रंट और रियर से आप फुल HD की वीडियोस जो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे सेटिंग्स की बात करें तो कुछ खास सेटिंग्स आपको नहीं मिलती है, फिर भी आपको मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। आपको मिरर इमेज का ऑप्शन मिलता है, पिक्चर क्वालिटी आप देखेंगे यहाँ पे आप हाई सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको उससे ज़्यादा नहीं करने को मिलता है, यानी कि एक फाइन क्वालिटी पे आती है लेकिन आपको हाई तक मिलता है। और रिकॉर्डिंग देखेंगे आप यहाँ पे तो HD दिखा रहा है 1080p, यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो फाइनली शटर शॉट वगैरह भी इसके अंदर जो एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको रियर में भी मिलता है और फ्रंट में भी आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। और ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक HDR मोड मिलता है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑटो मोड मिलता है। अगर आप इसको यहाँ पे प्रेस करते हैं आपको मैनुअल मोड, यहाँ पे ब्राइटनेस मोड और यहाँ पे इनका कुछ नाइट विजन मोड है, और ये सारी चीज आपको इसके अंदर वो मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इनके खुद के फिल्टर्स मिलते हैं, अगर आप चाहे तो आप अपने इस तरीके से फिल्टर्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी एक और ऑप्शन मिल जाता है, ये आपको एस्पेक्ट रेशियो जो होता है वो 16:9 का आप रखेंगे तो आपकी स्क्रीन जो फुल स्क्रीन में यहाँ पे जो दिखाई देगी। तो ये कुछ आपको ठीक ठाक से ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो वो फ्लैश मोड ऑप्शन मिलता है, उसके बाद जो आपको पैनोरामिक व्यू का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको टाइमर ऑप्शन मिलता है। अगर आप कितने सेकंड में चाहते हैं अपने पिक्चर्स क्लिक करना है तो सेल्फ टाइमर हम बोलते हैं, आपको इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे भी वो मिलता है। तो ये कुछ पिक्चर्स के ऑप्शन है। अगर हम वीडियोज में जाते हैं इस तरीके से आपको वीडियोज के ऑप्शन भी कुछ अलग से यहाँ पे मिल जाते हैं। वीडियोज की सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे खुद का इनका एक स्लो मोशन मोड मिलता है, अगर आप चाहे तो स्लो मोशन वीडियोज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ताकि एक स्टॉक एक्सपीरियंस से कुछ ज्यादा ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं इस वीडियो में इसके पूरे कैमरे सैंपल्स देता हूँ, कुछ वीडियो सैंपल्स देने वाला हूँ। आप अपने हिसाब से इसकी स्क्रीन पे देख लीजिए और आप यहाँ पे जज करके बताइए कि आपको उसकी क्वालिटी जो वो कैसे लगती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो वो इसका 13 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है उसका हम फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस फ़ोन में जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो वो सपोर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये जो वो फोकस नहीं कर रहा है। एक्चुअली में ये कौन सा बग है मुझे नहीं पता, आप देखेंगे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के इस तरीके से करीब जाता हूँ तो ये फोकस नहीं करता है। हालांकि फोटो मोड में प्रॉपरली फोकस कर लेता है। अब ये जो फोकस नहीं कर रहा है इसके लिए शायद से आप अपने दूसरा कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं कैमरे का जो शायद से ऑटो फोकस करेगा, और शायद से ये बग होगा तो कंपनी को मैं कह दूंगा जाके इनका एक एप्लीकेशन उनके ज़रिए बता दूंगा कि इसके अंदर कुछ बग है जो ऑटो फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको कुछ क्लैरिटी मिल रहा है, और ये भी देखेंगे आप यहाँ पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर रहा है। हालांकि वीडियो क्लैरिटी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, जो कलर रिप्रोडक्शन है इसका बहुत ही अच्छा है और इसमें कोई इशू तो मुझे नहीं दिख रहा फिलहाल। आप देखेंगे इस तरीके का आपको कुछ मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट के नज़दीक जाते हैं ये आप देखेंगे इस तरीके से उसके ऊपर जो फोकस नहीं करता है। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा आप देखेंगे 5 मेगापिक्सल का है, ये भी जो वो फुल HD वीडियो रिकॉर्ड करता है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके की इसके अंदर आपको जो वो क्लैरिटी मिलती है जैसे कि आप देखेंगे। और यहाँ पे तो फिलहाल ऑटो फोकस का लफड़ा है नहीं क्योंकि फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको ऑटो फोकस नहीं मिलता है, और इसकी क्लैरिटी आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की मिलती है। फ्रंट फेसिंग कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी, आप देखेंगे अगर मैं आपको सभी एंगल से दिखाता हूँ तो डार्क कंडीशन में भी अच्छी है और लाइट में तो बहुत ही अच्छी है। तो कुछ इस तरीके की आपको क्लैरिटी मिलती है और मैं खुश हूँ फ्रंट फेसिंग कैमरे से, और आप देखते हैं कि रियर फेसिंग वाला जो इशू जल्दी सॉल्व हो जाए।
जैसे कि आप लोगों ने देखा SRT स्मार्टफोन के, आप लोगों को मैंने फुल कैमरा रिव्यू दिया हूँ और मेरे हिसाब से पिक्चर्स जो वो ठीक ठाक से क्लिक कर लेता है, अच्छे खासे पिक्चर्स आ जाते हैं, यानी कि इतने भी बुरे नहीं है। जो हम दूसरे अगर कैमरे से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये फ़ोन भी उतना ही पिक्चर अच्छे जो वो क्लिक कर लेता है। तो अगर आपको ये फ़ोन पसंद आता है, परचेस करना है, हमारी इंडियन कंपनी है जैसे कि दिखाया डिज़ाइन एंड इंजीनियर इन इंडिया, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके इसको परचेस कर सकते हैं। और फ्यूचर में इस कंपनी से हमने काफ़ी सारे बातें की है तो फीडबैक भी दिए, और भी नए स्मार्टफोन्स आएंगे जिसके अंदर में और भी अच्छे स्पेसिफिकेशंस और बजट वो देखने को मिलने वाला है। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा, जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही फ्यूचर में आप लोगों के लिए यूजफुल अनबॉक्सिंग रिव्यूज लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।